हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं, आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने गोभी ली है, ये मैंने आलू लिए हैं। और आलू को इस टाइम मैंने थोड़े से मीडियम साइज में काट रखा है और गोभी थोड़े से मोटे साइज में काट रखी है। और मैंने कुछ आप देख सकते हैं सब्जियाँ ले रखी हैं पेस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले बड़े साइज में इस टाइम मैंने प्याज काट रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये मैंने मिर्ची ली है, हरी मिर्च, और ये मैंने अदरक ली है, और ये तीन मैंने टमाटर लिए हैं। तो इन सभी का पेस्ट बना लेना है। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। तो अब इनको अच्छी तरीके से लेंगे। तो मैंने पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक। तो हम लोग अब तैयार कर लेंगे सब्जी। तो आज मैं आपको बॉईल करके नहीं बनाना बताऊंगी आलू गोभी। तब आप देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें ऑयल डालेंगे। सकते हैं एक बड़ी चम्मच मैंने ऑयल डाल दी है। तो ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें एक चम्मच के लगभग डाल देंगे जीरा। जीरा अच्छे से तड़क चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। सबसे पहले तो गैस का फ्लेम लो करेंगे और अब इसमें आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें हम लोग डाल देंगे गोभी। तो अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे एक चम्मच से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर, और अब इसमें एक चम्मच डाल देंगे नमक। और सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मसाले को। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। और इसमें भी मैंने पानी नहीं डाला है, तो नीचे से जल भी सकती है, इसलिए इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो अब इसको ढककर हम लोग पका लेंगे। तो अच्छी तरीके से इसको ढककर पका लेंगे और 5-5 मिनट पे इसको चेक भी करते रहना, ताकि नीचे से जल नहीं सके। और मसाला बनाने के लिए आप देख सकते हैं ये लिए है मैंने कढ़ाई। तो कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो कढ़ाई चेक कर लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तब इसमें ऑयल डाल देंगे। और इस टाइम भी एक चम्मच ऑयल का यूज करना है। तो आप देख सकते हैं ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो अब इसमें जीरा डालेंगे आधी चम्मच के लगभग। जीरा भी आप देख सकते हैं तड़क चुका है। तो अब इसमें हींग डाल देंगे चुटकी भर के लगभग। और अब इसमें डालना है हम लोगों को दालचीनी और 3 लौंग डालेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी चीजें तड़क चुकी हैं। तो अब इसमें हम लोग डाल देंगे हम लोगों को जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था वो। और इस पेस्ट में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, तो आप देख सकते हैं थोड़ा पतला भी है। तो अब इसमें डाल देंगे। तो अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें आधी कटोरी के लगभग पानी डाला था पेस्ट में, तो इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें एक चम्मच के लगभग कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर डालना है। कस्तूरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता है, बस ये कलर के लिए डालते हैं। और अब इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम लोग हल्दी, आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम। और अब इसमें आधी चम्मच के लगभग ही नमक डालेंगे। और अब इसमें लाल जो तीखी वाली मिर्ची होती है, लाल मिर्च पाउडर, वो डालेंगे आधी चम्मच के लगभग। मैंने इसमें कम ही यूज़ किया, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डाल दी थी वो तीखी वाली हरी मिर्च थी जो मैंने पेस्ट में पीसी थी। तो अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर। तो एक बार सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम लोग डालेंगे आधी चम्मच के लगभग गर्म मसाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं गरम मसाला। तो एक बार सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और इसको फुल फ्लेम पे हम लोगों को पकाते रहना और बीच बीच में चलाते भी रहना है। और जो हम लोगों ने आलू को भी डाले थे पकने के लिए, उसको भी एक बार मिक्स कर लें। तो एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी पक गई है, स्टार्ट हो चुकी है पकना ये। तो और इसको पका लेंगे हम लोग ढककर। और एक बार इस मसाले को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको भी 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो दोनों ही चीज़ों को हम लोग पका लेंगे।
और इस टाइम मैंने फ्लेम भी इसका लो कर दिया है, तो इसको पका लेंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो ग्रेवी हमारी पक के तैयार हो चुकी है, तो इसमें आधा ग्लास के लगभग हम लोग पानी डालेंगे। मेरे को थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे, और अगर आपको और थोड़ी सी पतली इसको बनानी हो सब्जी को तो आप और भी पानी डाल सकते हैं, बट इस टाइम तो मैं इस तरीके की रखूंगी ग्रेवी को। तो अब थोड़ा सा लो से थोड़ा सा मैंने हाई फ्लेम किया है, तो थोड़ा सा पकाएंगे इसको। तो आप देख सकते हैं ऊपर ऑयल आ चुका है इसके, तो ये तैयार हो चुकी है। तो हम लोग अब आलू गोभी को देख लेंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है ये। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक आलू भी इस तरीके से कर दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सीज गया है सभी चीज़ें। तो अब इसमें ग्रेवी डाल देंगे। तो अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लेना है हम लोगों को, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। तो अब इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो अब ये सब्जी तो बनकर तैयार हो चुकी है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग धनिया डाल देंगे। ये भी ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और अब हमारी आलू गोभी बिल्कुल जैसे हम लोग पार्टी में शादी में जो आलू गोभी होती है उसी तरीके का इसका टेस्ट आएगा। तो अब इसको सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, जैसे आप होटल में खाते होंगे, पार्टी में, ढाबे में जो खाते हैं उस तरीके की इसका टेस्ट आएगा। तो आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करके खा सकते हैं, पराठे के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे सिंपल तरीके से आलू गोभी की सब्जी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।